हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो है शाम के 6 बज चुके हैं और मैं हिया को रेडी करने जा रही थी क्योंकि आज उनका मराठी लुक है, तो मैंने कहा चलो तैयार करते हैं। और फिर आज जो मैंने नहीं करा क्योंकि कल जो हमने हिया को रेडी करा था तो मैं वह सब ऐसे फैला दिया था, तो वही सुबह सब समेटा, बच्चों को स्कूल भेजना था और उसके बाद मैंने 2 दिन से कपड़े भी नहीं धोए थे, तो वही कपड़े वगैरह धोना था। खाना बनाया अभी और इनको होमवर्क वगैरह सब करके कंप्लीट हो गए, किचन के सारे काम कंप्लीट कर लिया है। और तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ को रेडी कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी आज जो है 6 बजे है तो मैं अभी से यहाँ को रेडी करूँगी क्योंकि कल जो हम बहुत लेट हो गए थे तो कभी मैं कैमरा चालू करना भूल गई, तो कभी हमने लास्ट में फ़ोटो वगैरह भी नहीं क्लिक कर पाए थे, तो बस वही था। तो आज हमने सोचा आज हम जल्दी रेडी होना स्टार्ट होंगे और फिर आराम से फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे हिया का फाइनल लुक, क्योंकि कल के वीडियो में हिया का फाइनल लुक अच्छे से नहीं दिख रहा है। और जो भी है तो आज इनका महाराष्ट्रियन लुक है और मैं महाराष्ट्रियन साड़ी पहनाऊंगी। और साड़ी जो है वो मेरी है, मैंने अपना ब्लाउज इनके नाप का फिटिंग कर दिया है। तो चलिए अब मैंने रेडी फेस वॉश करके अपने चेहरे पे लोशन लगाया है। लोशन जो हम सभी जो है निविया का ही लोशन लगाते, तो हिया ने अभी यही लोशन लगाया है फेस पे। तो बस अब इसके बाद जो है डायरेक्ट में इनके चेहरे पे कोई भी फाउंडेशन या बीबी या सीसी या फिर प्राइमर वगैरह कंसीलर ये इस टाइप की चीज में कोई भी यूज नहीं करती इनके चेहरे पे, क्योंकि इनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट है और बच्चों की स्किन पे तो वैसे भी कोई केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए। बस डायरेक्ट जो है मैं इनके चेहरे पर फेस पाउडर लगाऊंगी। रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं जो है ना मेकअप करती हूँ, फिर उसके बाद हेयर स्टाइल और फिर उसके बाद जो भी ड्रेस होता है ना वही पहनाती हूँ। पहले ड्रेस या पहले हेयर स्टाइल इस तरह से नहीं करती मैं, पहले मेकअप करती हूँ और उसके बाद जो है हेयर स्टाइल और फिर ड्रेस और फिर ज्वेलरी मेकअप करूंगी। तो आई मेकअप में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस आई शेडो और लाइनर और मस्कारा बस और काजल, ये चीजों का यूज होगा और कुछ नहीं। आज जो है मैं हिया को ग्रीन और ब्लू कलर की साड़ी पहनाऊंगी या इस तरीके से, तो मैं सोच रही हूँ उनको ग्रीन और ब्लू। हाँ, ये यहाँ आप यूवी को देखिए, मैं तो हिया का मेकअप कर रही हूँ और वो यहाँ पर सारे मेकअप के सामान से खेल रहे हैं। उन्होंने एक या दो आई शेडो कलर निकाल कर पूरे बेड पर भी फैला दिए और ब्रश भी तोड़ दिए। उन्होंने 2 दिन में हमारे काफ़ी सारे मेकअप के सामानों के साथ में तोड़ा फोड़ी मचा दी है, पर अब क्या करें, उन्होंने सोचा कि मम्मी बिजी है तो अपन अपने काम करो, हुआ ये भी थोड़े शरारती। हिया का जो है आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब जो है मैंने बिंदी लगा दी थी, राष्ट्रीय बिंदी जो कि हम कल परसों लेकर आए थे मार्केट से। हिया का जो है मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब जो है मैंने हेयर स्टाइल कर दूँ। यहाँ जो है हिया कोमी कर रही थी और मैं यूवी को खाना देने के लिए गई थी क्योंकि मुझे बीच बीच में यूवी को भी देखना होता है और उन्हें भूख भी लग रही थी। फिर मैंने एडिटिंग करते समय देखा कि हिया अपने आप को कांच में देखकर किस तरह से मटक रही और फिर मेरे आने तक वह अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई। हिया के जो बाल है ना वो घने कम है, मतलब बहुत पतले बाल हैं, तो मुझे इनकी हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत तो आती है और ऊपर से इनके बालों में तेल भी लगा हुआ है क्योंकि अभी स्कूल भी चल रहा है ना, तो बस वही था, इनका थोड़ा चंपू चंपू टाइप का हेयर स्टाइल बन रहा था। हिया का जो है मैंने हेयर स्टाइल भी कंप्लीट कर दिया, अब मैं इनको ड्रेस पहना देती हूँ। फिर हिया को भी मैंने चेंज कर दिया और मैंने भी चेंज कर लिया है, बस अब जो है हिया को ज्वेलरी पहना रहे हैं, आधी ज्वेलरी को पहना भी दिए। मैं जो 2-3 दिन पहले कमर कर दो ना मार्केट से लेकर आई थी, मैं बस उसी की ही चेन निकाल कर अलग कर रही थी। मैंने आपको दिखाया था ना कि उसकी चेन अलग हो जाती है, तो बस वही चेन अलग करके मैंने उसे कमर में पहनाया और जो चेन निकली थी उसे मैंने हिया के कानों पर लगाया
और अब आप हेयर का फाइनल लुक देखिए, वह कितनी प्यारी लग रही है ना महाराष्ट्रियन लुक में, टच बूट किसी की नज़र ना लगे। और कल भी जो है वह बहुत प्यारी लग रही थी बंगाली लुक में, पर यही था कि समय कम होने के कारण हम उनका ज़्यादा फोटोशूट नहीं कर पाए। और अब 7:45 का टाइम हो रहा है, अब हम गरबा पंडाल जा रहे हैं, तो बस वहीं पहुँच के हम आपसे मिलते हैं। और हिया को देखिए, हिया का फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है ना। तो अभी जो है 11:30 बज चुकी है और हम लोग घर आ चुके हैं। हिया आज बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू, तब से ही गरबा स्टार्ट हुआ तब से ही इन्होंने गरबा किया है, तो आज जो बहुत थकी हुई हैं। और अभी अभी भी वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब आज जो आज का दिन में कौन क्या अच्छा गेटअप किसका रहा, किसने अच्छा करा, इस टाइप के सीनियर जूनियर में अलग अलग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। लेकिन हम लोग आ गए क्योंकि हमारा घर जहाँ मतलब डांडी हो रहे हैं वहाँ से हमारा कम से कम 4 किलोमीटर दूरी पर घर है। तो चलिए आप मिलते हैं हम कल या कि न्यू लुक के साथ। कल इनका जो है राजस्थानी थीम पर है, कल ही पता चलेगा कि ड्रेस हमें वहीं से मिल रही है या फिर हमें घर पे ही अरेंज करनी है, जो भी हम कल बताएं। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।